हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंटली आई एम एट हरियरगंज नासिक। आप देख सकते हो ऊपर हरियरगढ़ है और कल मैं पुणे से आया था नासिक थ्रू माय बाइक एफजेड। सो कल हमने टोटल बहुत सारा ट्रैवल किया है, पुणे से लेके तो नासिक तक हम बाइक पे हैं और अभी सुबह हम हैं हरियरगढ़। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रैक। एंड मौसम फिलहाल ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद बारिश हो जाएगी बिकॉज ऊपर बहुत से बादल आ चुके हैं। ओके सो गाइज, जस्ट स्टार्टेड विद द ट्रैक एंड इट्स 11 o'clock राइट नाउ। सो अभी 11 बजे हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं, लेट्स सी कितने बजे पहुँचते हैं। और मुझे यहाँ से लोग दिख रहे हैं जो हरियरगढ़ की खड़ी चढ़ाई जो होती है ना, जो यूट्यूब पे मैंने देखी है, वो यहाँ से दिख रही है। आफ्टर कम्प्लीटिंग माई चारधाम यात्रा, उसके बाद मैं आज ट्रैकिंग कर रहा हूँ इतने दिनों बाद। सो लास्ट टाइम मैंने ट्रैकिंग की थी यमुनोत्री में एंड केदारनाथ में, एंड उसके बाद सीधा अभी कर रहा हूँ। सो 2 महीने के बाद मैं पहली बार ट्रैकिंग कर रहा हूँ आज। एंड ही इज माय ब्रदर राहुल पाटिल, बहुत थक गए हो। एंड गाइस अभी वहाँ तक जाना है, मुझे लगा मैं बहुत चला हूँ लेकिन कुछ भी नहीं चला। ऊपर देखा तो ऐसा लग रहा है बहुत चलना है अभी फिलहाल, लेकिन नासिक का वेदर बहुत ही सही है अभी फिलहाल। बारिश भी नहीं हो रही है लेकिन ऊपर ऐसा मौसम हो चुका है कि ऐसा लग रहा है कि बारिश गिरेगी। ओके सो गाइस, अभी आधा रास्ता तो हमने कवर कर लिया अभी। सो यस, अभी इतना बाकी है। सो अभी आगे से पूरी स्ट्रेट चढ़ाई है जो कि हमें चढ़नी है। सो लेट्स गो। जब मैं केदारनाथ गया था तो वहाँ पे कुछ शॉर्टकट रूट्स थे, वो भी सेम ऐसे थे, सेम टू सेम। तो केदारनाथ में अगर आप जाओगे ना तो आपको ऐसे शॉर्टकट रूट्स मिलते हैं, उसमें डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है लेकिन चढ़ाई बहुत स्ट्रेट होती है। ये जरा टफ पैच है। गाइस अभी आप देख सकते हो इसमें बहुत ज्यादा भीड़ है, सो टाइम लगेगा। फाइनली गाइस हम हरियरगढ़ पे पहुंच चुके हैं। आज इतना ज़्यादा क्राउड है, इतना ज़्यादा क्राउड है, मतलब ऊपर पहुंचने के लिए हमें 4-5 घंटे लग गए। अभी उतरते टाइम बहुत ज़्यादा रिस्की है, ऊपर चढ़ते टाइम तो कुछ जितना लगा नहीं, लेकिन अभी जब उतरने वाले हैं हम तब बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाले हैं। और आप साइड में देख सकते हो सीधे बादल ऊपर आ रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी हाइट पे हम लोग। लेकिन ये वाला ट्रिक मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, मतलब मैंने अब तक जितने भी ट्रिक्स किए मैं बहुत ट्रिक किए हूँ, बहुत से फोर्ड में गया हूँ, लेकिन सबसे डेंजरस मुझे ये लगा। अब एक हरिश्चंद्रगढ़ है, वो भी सुना है मैंने कि बहुत टफ है, सो वो भी क्लाइम करना है।